मजर इकबाल साहब, आप इतने फरमाइएगा कि इंतहाई अहम बात है, आज बड़ा खुशी का दिन है कि PSL का आगाज हो चुका है और अब की बार तमाम मैचेस पाकिस्तान में होंगे। जी, बहुत अच्छी बात है कि जो है नॉर्मल एक्टिविटीज़ जो हैं वो मुल्क में जो है वो दोबारा औद कर आई हैं, और इसमें जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत में जब जो है हमारा जो गिलगित सॉरी सवात ऑपरेशन हुआ, उसके बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग के दौर में और मियां नवाज शरीफ साहब की क़्यादत में कराची ऑपरेशन, और फिर वहाँ पर और फिर स्पेशली उस वक्त जो जो था कॉन्टीन्यूस जो थी मॉनिटरिंग एंड रेडिकेशन ऑफ टेररिज्म फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री, कि उसको जो फॉलोअप था ज़रब अज़ब का, उसके ये नताइज हैं कि आज जो है वो ग्रेजुअली और हमने वो टारगेट अचीव करने शुरू कर दिए हैं। और हमारी ये दुआ है अल्लाह ताला जो है इस मुल्क को जो है वो बखरियत, अभी भी कद्दूका वाक़यात होते हैं, जैसे अभी भी सेक्रेटरी जनरल के दौरा के मौके पर आपने देखा कि बलूचिस्तान में एक सुसाइडल अटैक हुआ और दुश्मन जो है वो अपनी जो है वो इस तरह की जो है नापाक सरगर्मियों में मुलव्वस रहते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ओवरऑल जो है कॉन्टीन्यूस एफर्ट से और स्पेशली पाकिस्तान मुस्लिम लीग के दौरे हुकूमत में और पाक फ़ौज के तावन से जो उस वक्त जो है और स्पेशली जब आपका जो है पब्लिक स्कूल जो था पेशावर के वाक़े के बाद से उसके बाद से जो स्ट्रेटजी बनाई गई और उस वक्त जो जो है एंटी टेररिस्ट कोर्स बनाई गई और जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस और जो है वो सारे जो है मिलिट्री कोर्ट्स बनाई गई।